हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में अम्ब्रेला कुर्ती की कटिंग और स्टिचिंग करना बताएंगे। तो इसके लिए मैंने 3 मीटर का कॉटन फैब्रिक लिया है। इस कॉटन फैब्रिक के साइड में ये बॉर्डर का डिज़ाइन है। पहले हम इस फैब्रिक को ओपन कर लेंगे और इस बॉर्डर को अलग कर लेंगे। इस फैब्रिक से 1/2 इंच फैब्रिक बॉर्डर साइड छोड़ेंगे और इसको कट कर लेंगे। इस बॉर्डर से नेक डिज़ाइन बनाएंगे। बॉर्डर को फैब्रिक से अलग कर लिया है। पहले हम कुर्ती के टॉप पार्ट की कटिंग कर लेंगे। फैब्रिक को 4 लेयर में फोल्ड कर लिया है। इसका एक साइड फोल्डेड साइड है और दूसरी साइड ओपन साइड है और 4 लेयर में है। अम्ब्रेला कुर्ती की टॉप पार्ट की लेंथ 14 इंच पर कर लेंगे। 1 इंच एक्स्ट्रा ले लेंगे मार्जिन के लिए, वह दोनों साइड सिलाई में चला जाएगा। तो 15 इंच पर मार्किंग कर लेंगे। सेम तरीके से इसके दूसरी साइड भी 15 इंच पर मार्किंग कर लेंगे। अब दोनों पॉइंटों को मिलाएंगे और एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। एक बॉटम साइड स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर ली है। अब शोल्डर की मार्किंग कर लेंगे। फोल्डेड साइड से शोल्डर 7 इंच पर मार्किंग कर लेंगे। अब आर्म होल की मार्किंग करेंगे। मार्किंग पर टेप रखेंगे और आर्म होल भी सेम 7 इंच पर मार्किंग कर लेंगे। इसकी दूसरी साइड भी 7 इंच पर मार्किंग करेंगे। फोल्डेड साइड से भी 7 इंच पर मार्किंग कर लेंगे। इस लाइन को यहाँ से और यहाँ तक मिला देंगे। अब कॉर्नर पर 1.5 इंच पर एक मार्किंग कर लेंगे और राउंड शेप में बैक आर्म होल की मार्किंग करेंगे। अब अंदर की तरफ 1/2 इंच पर मार्किंग कर लेंगे फ्रंट आर्म होल के लिए। फ्रंट आर्म होल और बैक आर्म होल दोनों की मार्किंग कर ली है। अब फिटिंग की मार्किंग करेंगे। जैसे फिटिंग है 36 इंच तो उसको 4 से डिवाइड करेंगे तो 9 इंच आएगा। 1/2 इंच की लूजिंग रखेंगे तो 9.5 इंच पर मार्किंग कर लेंगे। अब कमर की फिटिंग की मार्किंग करेंगे। 8 इंच पर कमर की फिटिंग की मार्किंग कर लेंगे। अब दोनों पॉइंटों को मिलाएंगे और एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब मार्जिन की मार्किंग करेंगे। मार्किंग पर टेप रखेंगे और 2 इंच पर मार्जिन की मार्किंग करेंगे। दूसरी साइड पर भी 2 इंच पर मार्किंग करेंगे और दोनों पॉइंटों को मिला के एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब नेक विड्थ की मार्किंग कर लेंगे। नेक विड्थ 3.5 इंच पर मार्किंग करेंगे। शोल्डर की ओपन साइड से 1/2 इंच पर मार्किंग कर लेंगे। अब इस मार्किंग को नेक वाली मार्किंग से मिलाएंगे और एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अम्ब्रेला कुर्ती के टॉप पार्ट की मार्किंग कंप्लीट कर ली है। अब एज इट इज़ इसकी कटिंग कर देंगे। एज इट इज़ इसकी कटिंग कर दी है। टॉप पार्ट के दोनों पार्ट के एक साथ कटिंग कर ली है क्योंकि फैब्रिक को 4 लेयर में फोल्ड कर रखा था। अब इसमें से बैक वाले पार्ट को अलग निकाल लेंगे। फ्रंट पार्ट को इसी तरीके से सेंटर से फोल्ड कर लेंगे। अब इसके आर्म होल की कटिंग कर देंगे। आर्म होल की कटिंग कर दी है। फैब्रिक को 4 लेयर में फोल्ड कर रखा था तो टॉप पार्ट के दोनों पार्ट के एक साथ कटिंग कर ली है। अब बॉटम पार्ट की कटिंग करेंगे। अम्ब्रेला कुर्ती के फैब्रिक को 2 लेयर में फोल्ड कर लिया है। ये ओपन साइड है और इसकी दूसरी साइड फोल्डेड साइड है। अब इसमें से ये वाला कॉर्नर उठाएंगे और फैब्रिक को ट्रायंगल की शेप में 4 लेयर में फोल्ड कर लेंगे। फैब्रिक को ट्रायंगल की शेप में 4 लेयर में फोल्ड कर लिया है। इसका एक साइड ओपन साइड है और दूसरी साइड फोल्डेड साइड है। अब अम्ब्रेला कुर्ती के बॉटम पार्ट के ऊपर टॉप पार्ट को सेट कर लेंगे। फोल्डेड साइड फोल्डेड वाला पार्ट रखेंगे। अब टॉप पार्ट के बराबर मार्किंग कर लेंगे। अब टॉप पार्ट को हटा लेंगे। अब कॉर्नर पर टेप रखेंगे और मार्किंग तक 12 इंच है तो 12 इंच पर मार्किंग ऑलरेडी कर रखी है। कॉर्नर पर टेप को फिक्स रखेंगे और 12 इंच पर मार्किंग करते जाएंगे राउंड शेप में। अब सारे पॉइंटों को मिला लेंगे और एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। बॉटम पार्ट की कमर की मार्किंग कर ली है। अब इस मार्किंग पर टेप रखेंगे और बॉटम पार्ट की लेंथ की मार्किंग कर लेंगे। पहले बॉटम पार्ट की लेंथ का मेजरमेंट करेंगे। जैसे कुर्ती की टोटल लेंथ है 42 इंच, उसमें से टॉप पार्ट माइनस कर लेंगे 14 इंच तो 28 इंच बचेगा। प्लस 1 इंच करेंगे मार्जिन के लिए तो कुर्ती के बॉटम पार्ट की लेंथ 29 इंच पर मार्किंग कर लेंगे। इस मार्किंग पर टेप रखेंगे और नीचे तक 29 इंच पर मार्किंग कर लेंगे।
मार्किंग पट्टे पर रखते जाएंगे और 29 इंच पर मार्किंग करते जाएंगे। अब बॉटम साइड से सारे पॉइंटों को ज्वाइन कर लेंगे और एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अम्ब्रेला कुर्ती के बॉटम पार्ट की दोनों मार्किंग कर ली है। अब दोनों मार्किंग से एज इट इज इसकी कटिंग कर देंगे। पहले इस मार्किंग से इसकी कटिंग करेंगे। एक्स्ट्रा फैब्रिक को निकाल देंगे। अब दूसरी मार्किंग से एज इट इज इसकी कटिंग कर देंगे। सो गाइज, इसी तरीके से आप किसी भी साइज के अम्ब्रेला कुर्ती की कटिंग कर सकते हैं। बॉटम साइड से भी एक्स्ट्रा बचे हुए फैब्रिक को कट कर निकाल देंगे। अम्ब्रेला कुर्ती के बॉटम पार्ट की कटिंग कर ली है। अब इसको ओपन करेंगे। फैब्रिक को 4 लेयर में फोल्ड कर रखा था, तो अम्ब्रेला कुर्ती के बॉटम पार्ट के फ्रंट पार्ट और बैक पार्ट दोनों की एक साथ कटिंग कर ली है। अब स्लीव्स की कटिंग कर लेंगे। फैब्रिक को 4 लेयर में फोल्ड कर लिया है। ये फोल्डेड साइड है और दूसरी साइड ओपन वाली साइड है। तो इसके फ्लावर की डायरेक्शन चारों पार्ट में एक साइड है। स्लीव्स की रेडी लेंथ 15 इंच है, तो एक इंच एक्स्ट्रा ले लेंगे मार्जिन के लिए, तो 16 इंच पर मार्किंग कर लेंगे। इसकी दूसरी साइड भी 16 इंच पर मार्किंग करेंगे। अब दोनों पॉइंटों को मिलाएंगे और एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। एक लाइन ड्रॉ कर ली है। स्लीव्स की विड्थ 10 इंच पर मार्किंग कर लेंगे। ओपन साइड से 3 इंच डाउन मार्किंग कर लेंगे। फोल्डेड साइड से स्लीव्स के आर्म होल की शेप देते हुए मार्किंग कर लेंगे। पहले रफली मार्किंग करेंगे, उसके बाद मार्किंग को डार्क कर लेंगे। इस तरीके से एस शेप में मार्किंग कर लेंगे। स्लीव्स के बॉटम साइड से 5.5 इंच पर मार्किंग करेंगे। 2 इंच पर मार्जिन की मार्किंग कर लेंगे। अब इस पॉइंट को इस पॉइंट से मिलाएंगे और एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे इस तरीके से। स्लीव्स की मार्किंग कंप्लीट कर ली है। एज इट इज इसकी कटिंग कर देंगे। स्लीव्स की कटिंग कर ली है। अब स्लीव्स के सेंटर में कट लगा देंगे। अब स्लीव्स को ओपन कर लेंगे। देखिए, स्लीव्स के अंदर की साइड है वो उल्टी साइड है। अब स्लीव्स के फ्रंट साइड से 1/2 इंच की कटिंग कर देंगे। यहाँ से कटिंग करना स्टार्ट कर देंगे और इस तरीके से इसकी कटिंग कर देंगे। स्लीव्स के फ्रंट साइड से भी कटिंग कर दी है और फैब्रिक को 4 लेयर में फोल्ड कर रखा था, तो दोनों स्लीव्स के एक साथ कटिंग कर ली है। अब जो बॉर्डर साइड से कट किया था उसे नेक डिज़ाइन रेडी करेंगे। 15 इंच पर बॉर्डर पर मार्किंग कर लेंगे और इसको यहाँ से कट कर देंगे। सेम साइज़ की एक और बॉर्डर की स्ट्रिप कट कर लेंगे। बॉर्डर की दो सेम साइज़ की स्ट्रिप कट कर ली है और इसे फ्रंट नेक रेडी कर लेंगे। दोनों स्लीव्स को, दोनों बॉर्डर के पार्ट को एक दूसरे की राइट साइड फेस करते हुए रखेंगे और 1/2 इंच का मार्जिन रखते हुए इसके ऊपर सिलाई लगा देंगे। उसके बाद इसको इस तरीके से ओपन कर लेंगे। दोनों बॉर्डर के ऊपर फिनिशिंग के साथ सिलाई लगा दी है। अब इसको फ्रंट पार्ट पर अटैच कर लेंगे। ये कुर्ती का टॉप पार्ट ले लिया है। ये कुर्ती के टॉप पार्ट का फ्रंट वाला पार्ट ले लिया। अब इसको इस तरीके से सेंटर से फोल्ड कर लेंगे और इसके सेंटर में एक मार्किंग कर लेंगे। इस तरीके से इसके सेंटर में एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। टॉप पार्ट में एक मार्किंग कर ली है और अब बॉर्डर पार्ट को भी इसके मार्किंग के ऊपर सेंटर में रखेंगे। अब इसके एक बीच में एक रफली सिलाई लगा लेंगे। बॉर्डर के सेंटर में एक रफली सिलाई लगा ली है। उसके बाद बॉर्डर के दोनों साइड से एक्स्ट्रा फैब्रिक को अंदर की तरफ फोल्ड कर देंगे इस तरीके से, और इसके दूसरी साइड से भी एक्स्ट्रा फैब्रिक को अंदर की तरफ फोल्ड कर देंगे और इसके दोनों साइड सिलाई लगा देंगे। बॉर्डर के दोनों साइड फिनिशिंग के साथ सिलाई लगा दी है। अब फ्रंट नेक की कटिंग कर लेंगे। इस पार्ट को इस तरीके से सेंटर से फोल्ड कर लेंगे, चारों तरफ से सेट कर लेंगे। अब नेक विड्थ फोल्डेड साइड से 3.5 इंच पर मार्किंग कर लेंगे। फ्रंट नेक की लेंथ 5 इंच पर मार्किंग करेंगे। इसकी दूसरी साइड भी 5 इंच पर मार्किंग कर लेंगे। एक बॉक्स बना लेंगे। अब नेक की राउंड शेप में मार्किंग करेंगे। पहले रफली मार्किंग कर लेंगे, उसके बाद मार्किंग को डार्क कर लेंगे इस तरीके से। अब एज इट इज़ इसकी कटिंग करेंगे। फ्रंट नेक की कटिंग कंप्लीट कर ली है।
और फ्रंट नेक में ये बॉर्डर का डिज़ाइन रेडी कर दिया है। अब बैक नेक की कटिंग करेंगे। बैक पार्ट को सेंटर से फोल्ड कर लिया है। नेक विड्थ सेम 3.5 इंच पर मार्किंग करेंगे। बैक नेक की लेंथ 2.5 इंच पर मार्किंग करेंगे। पहले एक बॉक्स बना लेंगे, उसके बाद बैक नेक की भी राउंड शेप में मार्किंग कर लेंगे। अब एज इट इज इसकी कटिंग कर देंगे। एक्स्ट्रा फैब्रिक को निकाल देंगे। कुर्ती के बैक नेक की कटिंग भी कर ली है मैंने 2 इंच की ओरेब की स्ट्रिप ले ली है। अब ओरेब की स्ट्रिप को सेंटर से फोल्ड कर लेंगे। फ्रंट पार्ट को राइट साइड से रखेंगे, बीच स्ट्रिप को इसके ऊपर रखते जाएंगे और इसके ऊपर सिलाई लगाते जाएंगे। बैक नेक पर ओरेब की स्ट्रिप को अटैच कर लिया है। अब इसमें छोटे छोटे से कट्स लगा लेंगे सिलाई को बचाकर, जिससे नेक ईजिली फोल्ड हो जाएगा फिनिशिंग के साथ। अब ओरेब की स्ट्रिप को उल्टी साइड टर्न कर देंगे और इसके ऊपर सिलाई लगा देंगे। फ्रंट नेक को रेडी कर लिया है सिलाई लगाकर। सेम तरीके से बैक नेक को भी रेडी कर लिया है। अब दोनों पार्ट को एक दूसरे की राइट साइड से फेस करते हुए रखेंगे। शोल्डर को शोल्डर से मिलाएंगे और हाफ इंच का मार्जिन रखते हुए दोनों शोल्डर पर सिलाई लगा देंगे। अम्ब्रेला फ्रॉक के टॉप पार्ट के दोनों पार्ट को अटैच कर लिया है। अब स्लीव्स को रेडी करेंगे। स्लीव्स के बॉटम साइड में भी पहले बॉर्डर अटैच कर लेंगे। स्लीव्स के साइज का बॉर्डर कट कर लेंगे। सबसे पहले स्लीव्स को उल्टी साइड से टर्न कर लेंगे। ये राइट साइड है और ये रॉन्ग साइड है स्लीव्स की। अब इसके ऊपर बॉर्डर को भी उल्टी साइड से रखेंगे। अब इसके ऊपर हाफ इंच का मार्जिन रखते हुए सिलाई लगा देंगे। सेम तरीके से दूसरी स्लीव्स पर भी सिलाई लगा दी है। अब इस बॉर्डर को स्लीव्स के राइट साइड टर्न कर लेंगे फिनिशिंग के साथ और इसके ऊपर एक सिलाई लगाएंगे। उसके बाद बॉर्डर के दूसरी साइड से एक्स्ट्रा फैब्रिक को फोल्ड करेंगे और सिलाई लगा देंगे। अब एक्स्ट्रा बॉर्डर को भी फोल्ड कर लेंगे और इसके ऊपर सिलाई लगा देंगे। स्लीव्स के बॉटम साइड में बॉर्डर अटैच कर लिया है। सेम तरीके से दूसरी स्लीव्स में बॉर्डर अटैच कर लिया है। अब फ्रॉक के ऊपर स्लीव्स को अटैच कर लेंगे। फ्रॉक के टॉप पार्ट को राइट साइड से रख लिया है और इसके ऊपर स्लीव्स को उल्टी साइड से रखेंगे। सेंटर पॉइंट को सेंटर पॉइंट से मिला लेंगे। अब स्लीव्स के फैब्रिक को इस तरीके से टर्न करते जाएंगे और इसके ऊपर सिलाई लगाते जाएंगे इस तरीके से। सेम तरीके से दूसरी स्लीव्स को भी टॉप पार्ट के उल्टी साइड रखेंगे, टॉप साइड के ऊपर उल्टी साइड रखेंगे और सिलाई लगा देंगे। फ्रॉक के टॉप पार्ट में दोनों स्लीव्स को अटैच कर लिया है फिनिशिंग के साथ। अब टॉप पार्ट और बॉटम पार्ट को अटैच कर लेंगे। टॉप पार्ट को राइट साइड से रखा हुआ है और बॉटम पार्ट को इसके ऊपर उल्टी साइड से रखेंगे। सेंटर को सेंटर से मिलाएंगे और इसके ऊपर सिलाई लगा देंगे। दोनों पार्ट को एक दूसरे की राइट साइड से रख लिया है। सेंटर पॉइंट को सेंटर पॉइंट से मिलाएंगे और इसके ऊपर सिलाई लगा देंगे। अम्ब्रेला फ्रॉक के टॉप पार्ट और बॉटम पार्ट को अटैच कर लिया है। अब अम्ब्रेला फ्रॉक को उल्टी साइड से टर्न कर लेंगे। अम्ब्रेला फ्रॉक को उल्टी साइड से टर्न कर लिया है और इसके दोनों साइड फिटिंग की मार्किंग कर ली है। अब जैसे मार्किंग कर रखी है एज इट इज इसके ऊपर सिलाइयाँ लगा देंगे। स्लीव्स से सिलाई लगाना स्टार्ट करेंगे और बॉटम तक सिलाई लगा देंगे। अम्ब्रेला फ्रॉक के दोनों साइड फिटिंग की सिलाइयाँ लगा दी हैं। अब अम्ब्रेला फ्रॉक को बॉटम साइड से फोल्ड कर लेंगे। पहले हाफ इंच फोल्ड करेंगे, उसके बाद एक हाफ इंच और फोल्ड कर लेंगे और इसके ऊपर सिलाई लगा देंगे। अम्ब्रेला फ्रॉक को बॉटम साइड से फोल्ड करके फिनिशिंग के साथ सिलाई लगा ली है। और फाइनली अम्ब्रेला कुर्ती अम्ब्रेला फ्रॉक बनके रेडी हो गया है। फ्रेंड्स, इसी तरीके से आप किसी भी साइज़ के अम्ब्रेला फ्रॉक की कटिंग और स्टिचिंग कर सकते हैं बिल्कुल आसान तरीके से। और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना, क्योंकि मैं अपने चैनल पर लहंगा, कुर्तीज़, डिज़ाइनर ड्रेस की कटिंग और स्टिचिंग की वीडियो अपलोड करती रहती हूँ। मेरी वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए थैंक यू सो मच।